दोस्तों अगर आप मम्मी की मोस्ट फेवरेट मूवी क्रिस्टोफर को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सर कहाँ पर आप आप आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो क्रिस्टोफर एक दो भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी डी कृष्णन धारा निर्देशित और उदय कृष्ण धारा लिखित है इसमें ममुट्टी विनय रॉय आर दशरथ कुमार स्नेहा अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी अदिति रवि था, साइन टॉम चाकू दीपक परबोल और सिद्दीकी जेले जैसे कलाकार शामिल हैं फिल्म एडीसी की जीवन यात्रा के बारे में बताती है क्रिस्टोफर एंथनी बचपन से एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बने जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करते हैं मुख्य फोटोग्राफी 10 जुलाई 2022 को शुरू हुई और 29 सितंबर 2022 को समाप्त हुई सिद्दीक और जस्टिन वर्गीस ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और संगीत को संभाला क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसी समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा दंगे के दौरान युवकों का एक समूह क्रिस्टोफर की बहन की बेरहमी से हत्या करने के लिए स्थिति का उपयोग करता है उन्होंने उसके माता पिता को भी मार डाला और उनके घर में आग लगा दी एक युवक क्रिस्टोफर अपने प्रिंज प्रिजनों का बदला लेना चाहता है और कसाई के चाकू से अपराधियों का पीछा करता है लेकिन एसपी पीट्रिले वेंट्रिवेल उसे रोक देता है जब वेंट्रीवेल को क्रिस्टोफर के परिवार के साथ हुए अन्याय के बारे में पता चलता है तो वह अपराधियों को गोली मारकर हत्या कर देता है यह घटना घटना क्रिस्टोफर को नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और पुलिस मुठभेड़ों का उपयोग करके एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती है बैटरीवेल क्रिस्टोफर की शिक्षा का ख्याल रखता है और बाद में आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है क्रिस्टोफर धारा अपना पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वेंट्रीवेल जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति प्रतिन पर हैं क्रिस्टोफर को मध्य प्रदेश में एएसपी के रूप में अपनी पहली पो, पोस्टिंग दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है जहां कई महिलाओं को समाप्ति उम्मीदवारों ने मार डाला था क्रिस्टोफर क्रूर घटनाओं के पीछे के असली अपराधियों को पकड़ने और मारने में सहायक तकनीकों का उपयोग करता है और एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बन जाता है उन्हें एसआई इस इस्माइल इस धारा सहायता प्रदान की जाती है जो उनका आदिना दाहिना हाथ बन गया बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल स्थानांतरित के कर लिया और उन्हें एसपी के पद पद पर पदोन्नत किया गया एक दिन क्रिस्टोफर बिना से मिलता है जो पांडिचेरी पांडिचेरी डीसी है जो घने जंगलों जंगली इलाके में लगातार होने वाली एडितियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने मिशन शुरू करने का फैसला किया ऑपरेशन सफलतापूर्व पूरा हो गया लेकिन इस्माइल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया इस्माइल के अंतिम संस्कार संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चला कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ थे जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना की ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा नशा कराने करते हुए पाया गया जांच से पता चला कि असली गुन, गुनहगार गुनगार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है जो नशे का आदि है बिना एमपी चाकुर्चंद और एडीजीपी अभिलाष बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं चाकेचंद के घर पर काम करने करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फ़ैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हों का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सीरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मारकर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन, अमीना थी कुछ महीने बाद के बल सेवक में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में ग्रूप में पदुर्न, किया जाता है। एक एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ में चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव है धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एसीपी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने में के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैगनेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर है जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदे साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री डीवाईएसपी जॉर्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल हैं क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरुमु मारी मुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारीमुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुँचती हैं। सुलेखा ने मरीमुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि जॉर्ज जिसने सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत ली थी ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहाँ क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हम जहाँ क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंत सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारीमुथु को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायप पा, न्यायपालिका का धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारीमुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहाँ वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जॉर्ज धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को ख़त्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने से मारने में सफल हो जाता है उसी क्षण उत्तरी क्षेत्र के ए गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सीताराम का सामना हुआ जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है सीताराम को गिरफ्तार कर जेल कर जेल भेज दिया गया है जेल में होने के बावजूद सीताराम बिना को उसके कमरे में एयर कंडीशनर में के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड विशास्त का का उपयोग करके मार देता है क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के खत्म करने के लिए संकल्प हो जाता है जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाता है और अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है जहां सीताराम को रखा गया है और अंत में वार्डन अधीक्षण हरि कुमार जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है की मदद से उसे मार डालता है सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरि कुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही की देखभाल करेगा कुछ सप्ताह बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है एडीजी पी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंथनी आईपीएस डीजीएल ब्लू के रूप प्रमुख के रूप में ममुट्टी विनय रॉय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में आठ दस शरद कुमार एस पी आईपीएस आई पी एस के रूप में गृह हाँ, सचिव बीना मरियम मरियम चाको आई एस के रूप में स्नेहा क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी एस पी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अपनी क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वाली वकील सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखर मेनन के रूप में दिलेश पोथन ए डी जी पी अविलास बालकृष्ण आई पी एस के रूप में डी वाई एस पी जॉर्ज कोट कोटाराकन के रूप में शाईम टाइम एक भ्रष्ट और समाजक विरोधी पुलिस पुलिसकर्मी त्रिमूर्ति थिर, का अदिति रवि अश्री अश्रीनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में दीपक परबोल एस आई इस्माइल के रूप में सुशांत के रूप में विनीता कोसी जीनू जोसे भाई पतलम सुरेश के रूप में वसंती सी आई विदु ऋषि बाद में एसपी के रूप में सी आई मैथ्यूज के रूप में विजय कुमार प्रभाकर नॉर्थ एडीजीपी गौरीशंकर आई पी एस क्रिस्टोफर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बेंची मैथ्यूज एक डॉक्टर के रूप में मंजूलन हरिकुमार जेल अधीक्षण के रूप में राजेश शर्मा मनोहरि जॉय अग्नेश के रूप में कीर्तन श्री कुमार एनी के रूप में राम्या सुरेश एनी की माँ के रूप में बीना के छोटे भाई सेबेस्टियन चाको के रूप में शाहिनी सिद्दीकी एम पी चाको चाकोचंद बीना और सेबेस्टियन के पिता के रूप में पार्षद के रूप में सोहन लाल प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई 18 जुलाई 2022 को मोमुट्टी फिल्म के सेट पर शामिल हुए फिल्म की शूटिंग एनआरकुल पुयमकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई है विनय विनय रॉय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है फिल्म थी फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ ममुट्टी ने फिल्मांकन समा, समाप्त होने से एक सप्ताह पहले पैंसठ दिनों की अवधि में अपनी अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर कर दिया गया क्रिस्टोफर नौ फरवरी दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हिंदू के लिए एस आर प्रवीण ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा ममुट्टी के लिए जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है अमला पॉल और उसने को लंबी भूमिका मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका भूमिकाएं महत्व महत्वहीन है साइन टॉम चाको चल रही दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर अपने कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तित्व को दोहराता है क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का एक लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है द इंडियन एक्सप्रेस के अनंदु सुरेश ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और लिखा करीब ढाई घंटे चलने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपक झपकने की झपकने ही खत्म हो गया दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्ष नहीं है और न ही कोई मोड़ और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफी घिसा पीता है ओन मानोरमा की प्रिंस प्रिंसी अलेक्जें अलेक्जेंडर ने लिखा उन्नी कृष्णा और उदय कृष्णा का पिछला काम आरुटू जिसमें मोहनलाल लाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करना बहुत अच्छा मनोरंजन और पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं एना एम एम ए ने फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म की समीक्षा की और पांच में से जीरो पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा पिछले साल से अच्छी विकासों में से एक यह रहा है कि ममुट्टी अपनी उम्र को पहले की तुलान तुलना में थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उन्होंने यहां तक कि उनके बालों और मुछों में सफेद रंग का स्पर्श है आपके बढ़ते वर्षों को तेजी से स्वीकार करना और फिर भी आपकी समकालीन महिला कलाकारों को फिल्मों में आपके प्रेमी और भाई बहन के रूप में अभिनय करने के से इनकार करना निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है मामुट्टी मोहम्मद कुत्ती पनार बिल इस्माइल जिन्हें मम्मी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और, और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं वह तमिल तेलुगु कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की भाषाओं की प्रस्तुति में भी दिखाई दिए हैं अपने पांच दशक के करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है वह कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है जिनमें जिन तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और तेरह शामिल फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री से सम्मानित किया 2022 में उन्हें केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो केरल सरकार धारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है मम्मी ने उन्नीस में मलयालम फिल्म अनुभवंग पालीचाकल अभिनय में अपनी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख भूमिका आईवी वी की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी मम्मी को सफलता उन्नीस में मिली जब उन्हें हाँसी अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म में संध्याकू विरिंजा पुवु और आरात्री शामिल हैं बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्नीस सौ सतासी की क्राइम थ्रिलर ने दिल्ली व्यवसायिक व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार किया अगले दशक में आई फिल्मों ने मामुट्टी को मलयालम सिनेमा में के अग्रणी सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया 2000 का दशक मम्मुट्टी के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का काम था हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम अम्बेडकर दो हजार में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने का दो हजार चार और पलेरी मनिक्याम दो हजार नौ के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते उन्होंने व्यग्ञ प्रचियतन एंड दू हज़ार दस ड्रामा कौ वर्सम दो हज़ार चौदह पीरियड ड्रामा पाथेमारी और ब्लैक कॉमेडी उंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त किया और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पीरियड एक्शन ममंगम और मधुरा राजा शामिल है दो में और दो में एक्शन थ्रिलर विष्मा पर्व ममुट्टी मलयालम कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के हैं जो मलयालम टेलीविज़न चैनल कैराली टीवी कैराली न्यूज और कैराली भी चलाते हैं वह वितरण उत्पादन बैनर प्लेहाउस और मामुट्टी कंपनी सहित कई उत्पादन उद्यमों के मालिक हैं ममुट्टी का जन्म सात सितंबर उन्नीस सौ इक्यावन को चंद्री च, चंदिरूर में हुआ था उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य में कोट्टायम जिले के वैकोम के पास चैम्पू गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता इस्माइल का कपड़ा और चावल का थोक व्यवसाय था और वह चावल की खेती से जुड़े थे उनकी मां फातिमा एक गृहिणी थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जकारिया और तीन छोटे बहनें अमीना सौदा और शफीना है वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी हाई स्कूल कुल शेखरा कुल शेखर मंगलम कोट्टायम गए 1960 के दशक में उनके पिता परिवार के एर्नाकुलम से ले आए जहां उन्होंने सरकारी स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की उन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्री डिग्री सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा से किया अपने डिग्री के लिए उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया उन्होंने एलएलएम LL, एलएलबी LL, के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में से उन्होंने मंजेरी में दो दो साल तक वकालत की उन्होंने 1979 में सुल्फत कुट्टी से अरेंज मैरिज की दंपति की एक बेटी सुरमी जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान जन्म 1986 है जो एक अभिनेता भी है वह अपने परिवार के साथ कुची में रहते हैं उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है उनके भतीजे मकबूल सलमान और अस्कर सौदान सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है आर शरत कुमार शरत कुमार रामनाथम जन्म चौदह जुलाई उन्नीस सौ चौवन एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ फिल्म निर्माता और गायक हैं उन्होंने एक सौ पैंतालीस से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मुख्य तमिल में उन्होंने तेलुगू मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है उन्होंने दो तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और तीन दक्षिण फिल्म पुरस्कार जीते हैं मूल रूप से बिल्डर और बाद में पत्रकार रहे शरद कुमार ने उन्नीस में तेलुगु फिल्म समाज में लो श्री श्री से श्रेत्री से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की उन्होंने पहले नकारात्मक भूमिकाएं निभाई और बाद में खुद को मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने से पहले सहायक भूमिकाएं निभाई, जिसमें उन्हें उन्हें तमिल सिनेमा में सुप्रियम स्टार और सुपर हीरो का खिताब मिला 2007 में उन्होंने एक कामराज के आदर्शों को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया समथुआ संत व मक्कल काची लॉन्च की व ते काशी निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं उन्होंने 2006 से 2015 तक लगातार तीन बार नंदी नंद नादीगर संग्राम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया आरदर शरद कुमार का जन्म चौदह जुलाई उन्नीस को नई दिल्ली में एक तमिल परिवार रामनाथम और पोषप इलाके यहाँ हुआ था उनके पिता रामनाथम भारतीय प्रेस सूचना ब्यारो में शामिल होने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे विनय रोये जन्म अठारह सितंबर नाइनटीन सेवेंटी नाइन एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं उन्हें अन्नाले अन्नाले दो हज़ार सात जयम कोडन, दो हज़ार आठ एंड्रेड्रम गई, दो हज़ार तेरह और अरुणमई दो हज़ार चौदह फिल्मों में उनके प्रदर्शनों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वह वा थुपारी वालम दो हज़ार सत्रह में खलनायक बनने और डॉक्टर दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार इक्कीस एथरकम थुनी धवन दो हज़ार बाईस और क्रिस्टोफर दो हज़ार तेईस सहित कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई मूल रूप से मुंबई में एक व्यावसायिक मॉडल थे उन्होंने बी के लिए रग्बी खेला और दो हजार एक में बहरीन का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे गृह सचिव अमला पॉल जन 26 अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल मलयालम और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्म नीला तमारा 2009 में सहायक भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की उन्होंने मैना 2010 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने देई व मंगलम दो हज़ार रन बेबी रन दो हज़ार बारह इंडिया प्रणकता दो हज़ार तेरह वेलैया पट्टाधारी दो हज़ार चौदह मिली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है दो हज़ार पंद्रह में जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साउथ और अदाई दो हज़ार उन्नीस के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला तमारा दो हज़ार नौ में सहायक भूमिका की पेशकश की सफल होने के बावजूद फिल्म किसी भी अन्य प्रस्ताव को आकर्षित करने में विफल रही जैसा कि उसने अनुमान लगा ख्याल रखता है और बाद में आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है क्रिस्टोफर द्वारा अपना पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वेंट्रीवेल जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति प्रतिन पर हैं क्रिस्टोफर को मध्य प्रदेश में एएसपी के रूप में अपनी पहली पो, पोस्टिंग दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है जहां कई महिलाओं को समाप्ति उम्मीदवारों ने मार डाला था क्रिस्टोफर क्रूर घटनाओं के पीछे के असली अपराधियों को पकड़ने और मारने में सहायक तकनीकों का उपयोग करता है और एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बन जाता है उन्हें एस आई इस, इस धारा सहायता प्रदान की जाती है जो उनका आदिना दाहिना हाथ बन गया बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल स्थानांतरित के कर लिया और उन्हें एसपी के पद पद पर पदोन्नत किया गया एक दिन क्रिस्टोफर बिना से मिलता है जो पांडिचेरी पांडिचेरी डीसी है जो घने जंगलों जंगली इलाके में लगातार होने वाली एडितियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने मिशन शुरू करने का फैसला किया ऑपरेशन सफलतापूर्व पूरा हो गया लेकिन इस्माइल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया इस्माइल के अंतिम संस्कार संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चला कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ थे जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा नशा कराने करते हुए पाया गया, जहां से पता चला कि असली गुन, ग, गुनगार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है, जो नशे का आदि है बिना एमपी चाकुरचन और एडीजीपी अभिलाष बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं। चाकेचंद के घर पर काम करने करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फ़ैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हू का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सिरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मार कर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन, अमीना थी कुछ महीने बादस्टोफर बल सेवक में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में ग्रुप में पदुर्न, किया जाता है। एक एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ में चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव है धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एस पी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने में के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैगनेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर है जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदेह साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री डीवाईएसपी जार्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल हैं क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरमुथू मारी मुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारी मुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुँचती हैं। सुलेखा ने मरीमुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि जॉर्ज जिसने सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत ली थी ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहाँ क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हैं जहाँ क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंत सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारीमुथु को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायप पा, न्यायपालिका का धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारीमुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहाँ वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जॉर्ज धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को ख़त्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने से मारने में सफल हो जाता है उसी क्षण उत्तरी क्षेत्र के ए गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सीताराम का सामना हुआ जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है सीताराम को गिरफ्तार कर जेल कर जेल भेज दिया गया है जेल में होने के बावजूद सीताराम बिना को उसके कमरे में एयर कंडीशनर में के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड विशास्त का का उपयोग करके मार देता है क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के खत्म करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाता है और अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है जहां सीताराम को रखा गया है और अंत में वार्डन अधि अधीक्षण हरि कुमार जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है की मदद से उसे मार डालता है सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरि कुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही की देखभाल करेगा कुछ सप्ताह बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है एडीजी पी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंथनी आईपीएस डीजीएल ब्लू के रूप प्रमुख के रूप में ममुट्टी विनय रॉय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में आठ दस शरद कुमार एस पी आईपीएस आई पी एस के रूप में गृह हाँ, सचिव बीना मरियम मरियम चाको आई एस के रूप में स्नेहा क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी एस पी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अपनी क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वाली वकील सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखर मेनन के रूप में दिलेश पोथन ए डी जी पी अविलास बालकृष्ण आई पी एस के रूप में डी वाई एस पी जॉर्ज कोट कोटाराकन के रूप में शाईम टाइम एक भ्रष्ट और समाजक विरोधी पुलिस पुलिसकर्मी त्रिमूर्ति थिर, का अदिति रवि अश्री अश्रीनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में दीपक परबोल एस आई इस्माइल के रूप में सुशांत के रूप में विनीता कोसी जोशी भाई पतलम सुरेश के रूप में वसंती सी आई ऋषि बाद में एसपी के रूप में सी आई मैथ्यूज के रूप में विजय कुमार प्रभाकर नॉर्थ एडीजीपी गौरीशंकर आई पी एस क्रिस्टोफर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बेंची मैथ्यूज एक डॉक्टर के रूप में मंजूलन हरिकुमार जेल अधीक्षण के रूप में राजेश शर्मा मनोहरि जॉय अग्नेश के रूप में कीर्तन श्री कुमार एनी के रूप में राम्या सुरेश एनी की माँ के रूप में बीना के छोटे भाई सेबेस्टियन चाको के रूप में शाहिनी सिद्दीकी एम पी चाको चाकोचंद बीना और सेबेस्टियन के पिता के रूप में पार्षद के रूप में सोहन लाल प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई 18 जुलाई 2022 को मोमुट्टी फिल्म के सेट पर शामिल हुए फिल्म की शूटिंग एनआरकुल पुयमकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई है विनय विनय रॉय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है फिल्म थी फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ ममुट्टी ने फिल्मांकन समा, समाप्त होने से एक सप्ताह पहले पैंसठ दिनों की अवधि में अपनी अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर कर दिया गया क्रिस्टोफर नौ फरवरी दो को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई द हिंदू के लिए एस आर प्रवीण ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा ममुट्टी के लिए जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएँ मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका भूमिकाएं महत्व महत्वहीन है साइन टॉम चाको चल रही दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर अपने कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तित्व को दोहराता है क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का एक लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है द इंडियन एक्सप्रेस के अनंदु सुरेश ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और लिखा करीब ढाई घंटे चलने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपक झपकने की झपकने ही खत्म हो गया दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्ष नहीं है और न ही कोई मोड और मोड और है है। जो हमें छोड़ देता है। खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफी घिसा पीता है मानोरमा की प्रिंसी अलेक्जेंडर जेंडर ने लिखा उन्नी कृष्णा और उदय कृष्णा का पिछला काम आरुटू जिसमें मोहन लाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करना बहुत अच्छा मनोरंजन हो पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं एना एमएमए फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म की समीक्षा की और पांच में से जीरो पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया पिछले साल से अच्छी विकासों में से एक यह रहा है कि ममुट्टी अपनी उम्र को पहले की तुलना में थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उन्होंने यहाँ तक कि उनके बालों और मुछों में सफ़ेद रंग का स्पर्श है आपके बढ़ते वर्षों को तेजी से स्वीकार करना और फिर भी आपकी समकालीन महिला कलाकारों को फिल्मों में आपके प्रेमी और भाई बहन के रूप में अभिनय करने के से इनकार करना निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है मामुट्टी मोहम्मद कुत्ती पनार बिल इस्माइल जिन्हें मामुट्टी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और, और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं वह तमिल तेलुगु कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की भाषाओं की प्रस्तुति में भी दिखाई दिए हैं अपने पांच दशक के करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है वह कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है जिसमें जिनमें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और तेरह शामिल फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री से सम्मानित किया 2022 में उन्हें केरल प्रभात पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो केरल सरकार धारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है मम्मी ने उन्नीस में मलयालम फिल्म अनुभवंग के माध्यम से अभिनय में अपनी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख भूमिका आईवी वी की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी मम्मी को सफलता उन्नीस में मिली जब उन्हें हाँसी अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म में संध्याकू विरिंजा पुवु और आरात्री शामिल हैं बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्नीस सौ सतासी की क्राइम थ्रिलर ने दिल्ली उनकी व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार किया अगले दशक में आई फिल्मों ने मामुट्टी को मलयालम सिनेमा में के अग्रणी सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया 2000 का दशक मम्मुट्टी के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का काम था हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने कांच कांचा 2004 और पलेरी मनिक्याम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते उन्होंने व्यग प्रचीटन एंड द सीट 2010 ड्रामा कर्थ वर्सम 2014 द पीरियड ड्रामा पाथेमारी और ब्लैक कॉमेडी उंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त किया और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पीरियड एक्शन ममंगम और मधुरा राजा शामिल है दो में और दो में एक्शन थ्रिलर विष्मा पर्व ममुट्टी मलयालम कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के हैं जो मलयालम टेलीविजन चैनल कैराली टीवी कैराली न्यूज और कैराली भी चलाते हैं वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और ममुट्टी कंपनी सहित कई उत्पादन उद्यमों के मालिक हैं ममुट्टी का जन्म सात सितंबर उन्नीस सौ इक्यावन को चंद्री च, में हुआ था उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य में कोटायम जिले के वैकोम के पास चैम्पू गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता इस्माइल का कपड़ा और चावल का थोक व्यवसाय था और वह चावल की खेती से जुड़े थे उनकी मां फातिमा एक गृहिणी थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जकारिया और तीन छोटे बहनें अमीना सौदा और शफीना हैं वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी हाई स्कूल कुल शेखरा कुल शेखर मंगलम को टायम गए 1960 के दशक में उनके पिता परिवार के एर्नाकुलम से ले आए जहां उन्होंने सरकारी स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की उन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्री डिग्री सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा से किया अपने डिग्री के लिए उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया उन्होंने एलएलएम LL, एलएलबी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की गवर्नमेंट गौर, लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में से उन्होंने मंजेरी में दो, दो साल तक वकालत की उन्होंने 1979 में सुल्फत कुट्टी से अरेंज मैरिज की दंपति की एक बेटी सुरमी जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान जन्म 1986 है जो एक अभिनेता भी है वह अपने परिवार के साथ कुची में रहते हैं उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है उनके भतीजे मकबूल सलमान और अस्कर सौदान सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता हैं आर शरत कुमार शरत कुमार रामनाथम जन्म चौदह जुलाई उन्नीस सौ चौवन एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ फिल्म निर्माता और गायक हैं उन्होंने एक सौ पैंतालीस से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मुख्य तमिल में उन्होंने तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया है उन्होंने दो तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और तीन दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। मूल रूप से बॉडी बिल्डर और बाद में पत्रकार रहे शरद कुमार ने उन्नीस में तेलुगु फिल्म समाज मेलो श्री श्रित्री से श्रीत्री से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की उन्होंने पहले नकारात्मक भूमिकाएं निभाई और बाद में खुद को मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने से पहले सहायक भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्हें उन्हें तमिल सिनेमा में सुप्रियम स्टार और सुपर हीरो का खिताब मिला दो में उन्होंने एक कामराज के आदर्शों को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया समथुआ समथुआ काची लॉन्च की वह ते, तेन काशी निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं उन्होंने 2006 से 2015 तक लगातार तीन बार नंदीर नं, नादिगर संग्राम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया आर दशरथ कुमार का जन्म चौदह जुलाई उन्नीस को नई दिल्ली में एक तमिल परिवार रामनाथम और पुष्पल्ला पो, के यहाँ हुआ था उनके पिता रामनाथम भारतीय प्रेस सूचना ब्यारो में शामिल होने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे विनय रोये जन्म अठारह सितंबर 1979 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं उन्हें अन्नाले उन्नाले दो हज़ार सात जयम कोड्डन दो हज़ार आठ एंड्रेड्रम गई दो हज़ार तेरह और, और नम दो हज़ार चौदह फिल्मों में उनके प्रदर्शनों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वह वा थुपारी वालम दो हज़ार सत्रह में खलनायक बनने और डॉक्टर दो हज़ार इक्कीस 2021 हज़ार इक्कीस धवन 2022 और क्रिस्टोफर 2023 सहित कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका विनय मूल रूप से मुंबई में एक व्यावसायिक मॉडल थे उन्होंने बी के लिए रग्बी खेला और 2001 में बहरीन का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे गृह सचिव अमला पॉल जन्म 26 अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल मलयालम और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्म नीला तमारा 2009 में सहायक भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की उन्होंने मैना 2010 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने देई व मंगलम दो हजार रन बेबी रन दो हज़ार बारह इंडिया प्रणकता दो हज़ार तेरह वेलैया पट्टाधारी दो हज़ार चौदह मिली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है दो हज़ार पंद्रह में जिसके लिए सतर्कता और पुलिस मुठभेड़ों का उपयोग करके एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित कर करती है वैटरी क्रिस्टोफर की शिक्षा का ख्याल रखता है और बाद में आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है क्रिस्टोफर धारा अपना पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वेंट्रीवेल जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्ति पर हैं क्रिस्टोफर को मध्य प्रदेश में एएसपी के रूप में अपनी पहली पो, पोस्टिंग दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है जहाँ कई महिलाओं को समाप्ति उम्मीदवारों ने मार डाला था क्रिस्टोफर क्रूर घटनाओं के पीछे के असली अपराधियों को पकड़ने और मारने में सहायक तकनीकों का उपयोग करता है और एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बन जाता है उन्हें एस इस आई इस्माइल इस सहायता प्रदान की जाती है जो उनका आदिना दाहिना हाथ बन गया बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल स्थानांतरित के कर लिया और उन्हें एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया एक दिन क्रिस्टोफर बिना से मिलता है जो पांडिचेरी पांडिचेरी डीसी है जो घने जंगलों जंगली इलाके में लगातार होने वाली एडितियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने मिशन शुरू करने का फैसला किया ऑपरेशन सफलतापूर्व पूरा हो गया लेकिन इस्माइल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया इस्माइल के अंतिम संस्कार संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चला कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ थे जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा कराने करते हुए पाया गया, से पता चला कि असली गुनागार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है जो नशे का आदि है बिना एमपी पी चाकुरचंद और एडीजीपी डी अविलास बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं चाकेचन के घर पर काम करने करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हू का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सीरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मार कर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन, अमीना थी कुछ महीने बाद क्रिस्टोफर बल सेवा में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में रूप में पदोन्नत पदुर्न, किया जाता है एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ में चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव है धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एसीपी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने में के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैगनेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर है जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदेह साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री डीवाईएसपी जार्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल हैं क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरुमथु मारीमुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारी मुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुंचती है सुलेखा ने मरी मुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत लीज थी, ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहाँ क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हम जहाँ क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंत सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारे मुथु को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायपद पा, न्यायपालिका धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारी मुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहाँ वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जॉर्ज धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को खत्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने से मारने में सफल हो जाता है उसी क्षण उत्तरी क्षेत्र के ए गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सीताराम का सामना हुआ जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है सीताराम को गिरफ्तार कर जेल कर जेल भेज दिया गया है जेल में होने के बावजूद सीताराम बिना को उसके कमरे में एयर कंडीशनर में के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड विशास्त का, का उपयोग करके मार देता है क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के खत्म करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाता है और अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है जहां सीताराम को रखा गया है और अंत में वार्डन अधीक्षण हरि कुमार जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है की मदद से उसे मार डालता है सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरि कुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही की देखभाल करेगा कुछ सप्ताह बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है ए डी जी पी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंथनी आई पी एस डी जी के रूप प्रमुख के रूप में मामुट्टी विनय रॉय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में आठ दस शरद कुमार एस पी आईपीएस आई पी एस के रूप में गृह हाँ सचिव बीना मरियम मरियम चाको आई एस के रूप में स्नेहा क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अपनी क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वाली वकील सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखर मेनन के रूप में दिलेश पोथन ए डी जी पी अभिलाष बालकृष्ण आई पी एस के रूप में डी वाई एस पी जॉर्ज कोट कोटाराकन के रूप में शाइम टाइम चाको एक भ्रष्ट और समाजक विरोधी पुलिस अस्कर्मी त्रिमूर्ति थि, थि, का साथी अदिति रवि अश्विनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में दीपक परबोल एस आई मोहम्मद इस्माइल के रूप में सुशांत के रूप में विनीता कोसी जीनू जोशी भाई पथलम सुरेश के रूप में वसंती सी आई ऋषि बाद में एसपी के रूप में सी आई मैथ्यूज के रूप में विजय कुमार प्रभाकर नॉर्थ एडीजीपी गौरीशंकर आईपीएस क्रिस्टोफर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बेंची मैथ्यूज एक डॉक्टर के रूप में मंजुलन हरिकुमार जेल अधीक्षण के रूप में राजेश शर्मा मनोहरी जॉय अग्नेश के रूप में कीर्तन श्री कुमार एनी के रूप में राम्या सुरेश एनी की माँ के रूप में बीना के छोटे भाई सेबेस्टियन चाको के रूप में शाहिनी सिद्दीकी एम पी चाको चाकोचंद बीना और सेबेस्टियन के पिता के रूप में पार्षद के रूप में सोहन सीनूलाल प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई 18 जुलाई 2022 को मोमुट्टी फिल्म के सेट पर शामिल हुए फिल्म की शूटिंग एनआरकुल पुयमकुट्टी पूर्य, और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई है विनय विनय रॉय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है फिल्म थी फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ ममुट्टी ने फिल्मांकन समा, समाप्त होने से एक सप्ताह पहले पैंसठ दिनों की अवधि में अपनी अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर कर दिया गया क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई द हिंदू के लिए एस आर प्रवीण ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा ममुट्टी के लिए जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिका मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका भूमिकाएँ महत्व महत्वहीन हैं साइन टॉम चाको चल रही दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर अपने कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तित्व को दोहराता है क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का एक लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है द इंडियन एक्सप्रेस के अनंदु सुरेश ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और लिखा करीब ढाई घंटे चलने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपक झपकने की झपकने ही खत्म हो गया दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्ष नहीं है और न ही कोई मोड़ और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है अस्य खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीता है ओन मानोरमा की प्रिंस प्रिंसी अलेक्जें एलेक्सजेंडर ने लिखा उन्नी कृष्णा और उदय कृष्णा का पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करना बहुत अच्छा मनोरंजन ओ, पिछला काम आरूटू जिसमें मोहन लाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं एना एम एम ने फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म की समीक्षा की और पांच में से जीरो पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और लिखा पिछले साल से अच्छी विकासों में से एक यह रहा है कि ममूटी अपनी उम्र को पहले की तुल तुलना में थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उन्होंने यहाँ तक कि उनके बालों और मुछों में सफ़ेद रंग का स्पर्श है आपके बढ़ते वर्षों को तेजी से स्वीकार करना और फिर भी आपकी समकालीन महिला कलाकारों को फिल्मों में आपके प्रेमी और भाई बहन के रूप में अभिनय करने के से इनकार करना निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है मामुट्टी मोहम्मद कुत्ती पनार बिल इस्माइल जिन्हें मामुट्टी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं वह तमिल तेलुगू कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की भाषाओं की प्रस्तुति में भी दिखाई दिए हैं अपने पाँच से दशक के करियर में उन्होंने ४०० से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है वह कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है जिसमें जिनमें तीन राष्ट्रीय फिल्म, फिल्म पुरस्कार सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और तेरह शामिल फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री से सम्मानित किया दो में उन्हें केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है मम्मी ने उन्नीस में मलयालम फिल्म अनुभवंग पालीचाकल के माध्यम से अभिनय में अपनी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख भूमिका आईवी सी सा की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम उन्नीस सौ सेवेंटी नाइन में थी मम्मी को सफलता उन्नीस सौ इक्यासी में मिली जब उन्हें हांसी अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म में को वीरिंजा और आरात्री शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्नीस की क्राइम थ्रिलर ने दिल्ली उनकी व्यावसायिक सफ संभाव, संभावनाओं में सुधार किया अगले दशक में आई फिल्मों ने मूट्टी को मलयालम सिनेमा में के अग्रणी सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया 2000 का दशक मोमुट्टी के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का काम था हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम अम्बेडकर में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने कांच कांचा 2004 और पलेरी मनिक्याम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते उन्होंने व्यज्ञ प्रचियटन एंड द सीट दो हज़ार दस ड्रामा कॉस वॉर्सम दो हज़ार चौदह पीरियड ड्रामा पाथेमारी और ब्लैक कॉमेडी उंडा दो हज़ार के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त किया और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पीरियड एक्शन ममंगम और मधुरा राजा शामिल है 2019 में और 2022 में एक्शन थ्रिलर विषम पर्व ममुट्टी मलयालम कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के हैं जो मलयालम टेलीविजन चैनल कैराली टीवी कैराली न्यूज और कैराली भी चलाते हैं वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और ममुट्टी कंपनी सहित कई उत्पादन उद्यमों के मालिक है मम्मी का जन्म सात सितंबर उन्नीस सौ इक्यावन को चंद्री चंदिरूर में हुआ था उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य में कोट्टायम जिले के वैकोम के पास चेम्पू गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता इस्माइल का कपड़ा और चावल का थोक व्यवसाय था और वह चावल की खेती से जुड़े थे उनकी मां फातिमा एक गृहिणी थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जकारिया और तीन छोटे बहनें अमीना सौदा और सफीना हैं वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी हाई स्कूल कुल शेखरा कुल शेखर मंगलम कोट्टायम गए 1960 के दशक में उनके पिता परिवार के एर्नाकुलम से ले आए जहां उन्होंने सरकारी स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की उन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्री डिग्री सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा से किया अपने डिग्री के लिए उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया उन्होंने एल एल एम एल एल बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में से उन्होंने मंजेरी में दो दो साल तक वकालत की उन्होंने 1979 में सुल्फत कुटी से अरेंज मैरिज की दंपति की एक बेटी सुरमी जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान जन्म 1986 है जो एक अभिनेता भी है वह अपने परिवार के साथ कु में रहते हैं उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है उनके भतीजे मकबूल सलमान और अस्कर सौदान सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं आर शरत कुमार शरत कुमार रामनाथम जन्म चौदह जुलाई उन्नीस सौ चौवन एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ फिल्म निर्माता और गायक हैं उन्होंने 145 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मुख्य तमिल में उन्होंने तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया है उन्होंने दो तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और तीन दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं मूल रूप से बॉडी बिल्डर और बाद में पत्रकार रहे शरद कुमार ने उन्नीस में तेलुगु फिल्म समाज मेलो श्री श्री श्रीत्री से श्रीत्री से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की उन्होंने पहले नकारात्मक भूमिकाएं निभाई और बाद में खुद को मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने से पहले सहायक भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्ह, उन्हें उन्हें तमिल सिनेमा में सुप्रियम स्टार और सुपर हीरो का खिताब मिला दो हज़ार सात में उन्होंने एक कामराज के आदर्शों को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया समथुआ समथुआ काची लॉन्च की व ते, तेन तेनकाशी निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं उन्होंने 2006 से 2015 तक लगातार तीन बार नंदी नंद नादीगर संग्राम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया आरदर शरद कुमार का जन्म चौदह जुलाई उन्नीस को नई दिल्ली में एक तमिल परिवार रामनाथम और पुष्पलीला पो, के यहाँ हुआ था उनके पिता रामनाथम भारतीय प्रेस सूचना ब्यारो में शामिल होने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे विनय रोय जन्म अठारह सितंबर 1979 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं उन्हें अन्नाले अन्नाले दो हज़ार सात जयम कोडन दो हज़ार आठ एंड्रेड्रम गई दो हज़ार तेरह और नम दो हज़ार चौदह फिल्मों में उनके प्रदर्शनों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वह वा थुपारी वालम दो हज़ार सत्रह में खलनायक बनने और डॉक्टर 2021 2021 थरकम थूनी धवन 2022 और क्रिस्टोफर 2023 सहित कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई विनय मूल रूप से मुंबई में एक व्यावसायिक मॉडल थे उन्होंने बी के लिए रग्बी रग्बी खेला और 2001 में बहरीन का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे गृह सचिव अमला जन 26 अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल मलयालम और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्म नीला तमारा 2009 में सहायक भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की उन्होंने मैना 2010 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने देवीवा थिरुमंगलम दो रन बेबी रन दो हज़ार इंडिया प्रणाकता दो हजार तेरह वेलैया पट्टाधारी दो हज़ार चौदह मिली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है दो हज़ार पंद्रह में जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साउथ और अदाई दो हज़ार उन्नीस के लिए फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल, लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला दो हजार में सहायक भूमिका की पेशकश की सफलज्ञ बन जाता है उन्हें एस इस आई इसमाइल इस धारा सहायता प्रदान की जाती है जो उनका आदिना दाहिना हाथ बन गया बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल स्थानांतरित के कर लिया और उन्हें एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया एक दिन क्रिस्टोफर बिना से मिलता है जो पांडिचेरी पांडिचेरी डीसी है जो घने जंगलों जंगली इलाके में लगातार होने वाली एडितियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने मिशन शुरू करने का फैसला किया ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया लेकिन इसमाइल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया इसमाइल के अंतिम संस्कार संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चला कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ थे जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा नशा कराने करते हुए पाया गया जहां से पता चला कि असली गुनगा गुनहगार गुनगार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है जो नशे का आदि है बिना एमपी चाकुर्चन और एडीजीपी अविलास बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं चाकेचन के घर पर काम करने करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हू का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सीरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मार कर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन, अमीना थी कुछ महीने बाद बल सेवा में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में रूप में पदोन्नत प्रनो, प्रनो, किया जाता है एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 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 चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव है धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एसीपी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने करने के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैग्नेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर हैं जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदेह साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है। सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री शास्त्री डी वाई एस पी जॉर्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल है क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरमुथु मारीमुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारीमुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुंचती है सुलेखा ने मारीमुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि जॉर्ज जिसने सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत लीज थी ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहां क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हैं जहां क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंत सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारी को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायपद न्यायपालिका धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारी मुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहां वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जौर धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को खत्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने से मारने में सफल हो जाता है उसी क्षण उत्तरी क्षेत्र के ए गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सीताराम का सामना हुआ जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है सीताराम को गिरफ्तार कर जेल कर जेल भेज दिया गया है जेल में होने के बावजूद सीताराम बिना को उसके कमरे में एयर कंडीशनर में के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड विशास्त का का उपयोग करके मार देता है क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के खत्म करने के लिए संकल्प हो जाता है जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाता है और अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है जहां सीताराम को रखा गया है और अंत में वार्डन अधीक्षण हरि कुमार जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है मदद से उसे मार डालता है सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरि कुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही की देखभाल करेगा कुछ सप्ताह बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है ए डी जी पी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंथनी आई पी एस डी जी के रूप प्रमुख के रूप में मामुट्टी विनय रॉय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में आर दस शरद कुमार एस पी आईपीएस आई पी एस के रूप में गृह सचिव बीना मरियम मरियम चाको आई एस के रूप में स्नेहा क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अपनी क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वाली वकील सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखर मेनन के रूप में दिलेश पोथन ए अविलास पी बालकृष्ण आईपीएस के रूप में डीवाईएसपी जॉर्ज कोट कोटाराकन के रूप में शाइम टाइम चाको एक भ्रष्ट और समाजक विरोधी पुलिसकर्मी त्रिमूर्ति थिर, का साथ है अदिति रवि अश्री, अश्रीनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में दीपक परबोल एस आई मोहम्मद इस्माइल के रूप में सुशांत के रूप में विनीता कोसी जीनु जो भाई पथलम सुरेश के रूप में वसंती सी आई ऋषि बाद में एसपी के रूप में सी आई मैथ्यूज के रूप में विजय कुमार प्रभाकर नॉर्थ एडीजीपी गौरीशंकर आई पी एस क्रिस्टोफर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बेंची मैथ्यूज एक डॉक्टर के रूप में मंजूलन हरिकुमार जेल अधीक्षण के रूप में राजेश शर्मा मनोहरि जय अग्नेश के रूप में कीर्तन श्री कुमार एनी के रूप में राम्या सुरेश एनी की मां के रूप में बीना के छोटे भाई सेबेस्टियन चाको के रूप में शाहिनी सिद्दीकी एम पी चाको चाकोचंद बीना और सेबेस्टियन के पिता के रूप में पार्षद के रूप में सोहन सिनू लाल प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई 18 जुलाई 2022 को मोमुट्टी फिल्म के सेट पर शामिल हुए फिल्म की शूटिंग एन आरकुलम कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई है विनय रानय रॉय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है फिल्म थी फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ ममुट्टी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले पैंसठ दिनों की अवधि में अपनी अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर कर दिया गया क्रिस्टोफर नौ फरवरी दो को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई द हिंदू के लिए एस आर प्रवीण ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा ममुट्टी के लिए जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिका मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका भूमिकाएं महत्व महत्वहीन है साइन टॉम चाको चल रही दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर अपने कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तित्व को दोहराता है क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का एक लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है द इंडियन एक्सप्रेस के अनदू सुरेश ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और लिखा करीब ढाई घंटे चलने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपक झपकने की झपकने ही खत्म हो गया दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्ष नहीं है और न ही कोई मोड़ और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है असह खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीता है ओन मानोरमा की प्रिंस प्रिंसी अलेक्जें अलेक्जेंडर ने लिखा उन्नी कृष्णा और उदय कृष्णा का पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल लाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करना बहुत अच्छा मनोरंजन हो पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं एना एम एम ए ने फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म की समीक्षा की और पांच में से जीरो पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और लिखा। पिछली साल से अच्छी विकासों में से एक यह रहा है कि ममुट्टी अपनी उम्र को पहले की तुल तुलना में थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उन्होंने यहाँ तक कि उनके बालों और मुछों में सफ़ेद रंग का स्पर्श है आपके बढ़ते वर्षों को तेजी से स्वीकार करना और फिर भी आपकी समकालीन महिला कलाकारों को फिल्मों में आपके प्रेमी और भाई बहन के रूप में अभिनय करने के से इनकार करना निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है मामुट्टी मोहम्मद कुत्ती पनार बिल इस्माइल जिन्हें मम्मी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और, और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं वह तमिल तेलुगु कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की भाषाओं की प्रस्तुति में भी दिखाई दिए हैं अपने पांच दशक के करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है वह कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है जिसमें जिनमें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और तेरह शामिल फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री से सम्मानित किया 2022 में उन्हें केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है मम्मी ने उन्नीस में मलयालम फिल्म अनुभवंग पालीचाकल के माध्यम से अभिनय में अपनी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख भूमिका आई वी की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी मम्मी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें हाँसी अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म में संध्याकू बिरिंजापु और आरात्री शामिल हैं बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्नीस सौ सतासी की क्राइम थ्रिलर ने दिल्ली व्यावसायिक सुधार किया अगले दशक में आई फिल्मों ने फिल्मुट्टी को मलयालम सिनेमा में के अग्रणी सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया 2000 का दशक मामुट्टी के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का काम था हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम अम्बेडकर दो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने कांच कांचा 2004 और पलेरी मनिक्याम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते उन्होंने व्यज्ञ प्रचियत एंड द शेट दो हज़ार दस ड्रामा कौशम दो हज़ार चौदह पीरियड ड्रामा पाथेमारी और ब्लैक कॉमेडी उंडा दो के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त किया और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पीरियड एक्शन ममंगम और मधुरा राजा शामिल है 2019 में और 2022 में एक्शन थ्रिलर विषम पर्व मम्मी मलयालम कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के हैं जो मलयालम टेलीविज़न चैनल केराली टीवी वी केराली न्यूज और केराली भी चलाते हैं वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और ममुट्टी कंपनी सहित कई उत्पादन उद्यमों के मालिक हैं ममुट्टी का जन्म सात सितंबर उन्नीस सौ इक्यावन को चंद्री च, चंदिरूर में हुआ था उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य में कोट्टायम जिले के वैकोम के पास चैम्पू गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता इस्माइल का कपड़ा और चावल का थोक व्यवसाय था और वह चावल की खेती से जुड़े थे उनकी मां फातिमा एक गृहिणी थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जकारिया और तीन छोटे बहनें अमीना सौदा और सफीना है वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी हाई स्कूल कुल शेखरा कूल शेखर मंगलम को टायम गए 1960 के दशक में उनके पिता परिवार के एर्नाकुलम से ले आए जहां उन्होंने सरकारी स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की उन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्री डिग्री सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा से किया अपने डिग्री के लिए उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया उन्होंने एलएलएम LL, एलएलबी LL, के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में से उन्होंने मंजेरी में दो दो साल तक वकालत की उन्होंने 1979 में सुल्फत कुट्टी से अरेंज मैरिज की दंपति की एक बेटी सुरमी जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान जन्म 1986 है जो एक अभिनेता भी है वह अपने परिवार के साथ कु में रहते हैं उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है उनके भतीजे मकबूल सलमान और अस्कर सौदान सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं आर शरत कुमार शरत कुमार रामनाथम जन चौदह जुलाई उन्नीस सौ चौवन एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ फिल्म निर्माता और गायक हैं उन्होंने एक सौ पैंतालीस से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मुख्य तमिल में उन्होंने तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया है उन्होंने दो तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और तीन दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। मूल रूप से बॉडी बिल्डर और बाद में पत्रकार रहे शरद कुमार ने उन्नीस में तेलुगु फिल्म समाज मेलो श्री क्षित्री श्री 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 से श्रीत्री से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की उन्होंने पहले नकारात्मक भूमिकाएं निभाई और बाद में खुद को मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने से पहले सहायक भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्हें उन्हें तमिल सिनेमा में सुप्रियम स्टार और सुपर हीरो का खिताब मिला 2007 में उन्होंने एक कामराज के आदर्शों को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया समथुआ समथ व काची लॉन्च की व ते, तेन तेनकाशी निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं उन्होंने 2006 से 2015 तक लगातार तीन बार नंदी नंद नादीगर संग्राम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया आरदर शरद कुमार का जन्म चौदह जुलाई उन्नीस को नई दिल्ली में एक तमिल परिवार रामनाथम और पुष्प पो, इलाके यहाँ हुआ था उनके पिता रामनाथम भारतीय प्रेस सूचना ब्यारो में शामिल होने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे विनय रोय जन्म अठारह सितंबर 1979 सेवेंटी नाइन एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं उन्हें अन्नाले अन्नाले दो हज़ार सात जयम कोडन दो हज़ार आठ एंड्रेड राम गई दो हज़ार तेरह और और नम नई दो हज़ार चौदह फिल्मों में उनके प्रदर्शनों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वह वा थुपारी वालम दो हज़ार सत्रह में खलनायक बनने और डॉक्टर दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार इक्कीस एथरकम थुनी धवन दो हज़ार बाईस और क्रिस्टोफर दो हज़ार तेईस सहित कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाए मूल रूप से मुंबई में एक व्यावसायिक मॉडल थे उन्होंने बीआरएफसी के लिए रग्बी खेला और दो में बहरीन का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे गृह सचिव अमला पॉल जन्म 26 अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल मलयालम और तेलुगू फिल्मों में दिखाई देती हैं उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्म नीला तमारा 2009 में सहायक भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की उन्होंने मैना 2010 में शा शीर्षक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने देई व मंगलम दो रन बेबी रन दो हज़ार इंडिया प्रणकता दो हज़ार तेरह वेलया पट्टाधारी दो हज़ार चौदह मिली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है दो हज़ार पंद्रह में जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साउथ और अदाई दो हज़ार उन्नीस के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलात मारा दो में सहायक भूमिका की पेशकश की सफल होने के बावजूद फिल्म किसी भी अन्य प्रस्ताव को आकर्षित करने में विफल रही जैसा कि उसने अनुमान लगाया था अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना कि ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा नशा कराने करते हुए पाया गया जहाँ से पता चला कि असली गुन गुनहार गुनागार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है जो नशे का आदि है बिना एम पी चाकुरचंद और ए डी जी पी अभिलाष बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं चाकेचंद के घर पर काम करने, करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हू का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सीरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मार कर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन अमीना थी कुछ महीने बाद क्रिस्टोफर बल सेवा में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में एक रूप में पदोन्नत प्रदौन, किया जाता है एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ में चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव हैं धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एसीपी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने करने के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैग्नेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर है जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की और संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदेह साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री डी वाई एस पी जॉर्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल हैं क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरुमुथु मारी मुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारी मुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुंचती है सुलेखा ने मारी मुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि जॉर्ज जिसने सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत लीज थी ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहां क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हम जहाँ क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंतर सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारीमुथु को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायपद न्यायपालिका का धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारीमुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहां वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जॉर्ज धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को ख़त्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने से मारने में सफल हो जाता है उसी क्षण उत्तरी क्षेत्र के ए गौरी शंकर गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सीताराम का सामना हुआ जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है सीताराम को गिरफ्तार कर जेल कर जेल भेज दिया गया है जेल में होने के बावजूद सीताराम बिना को उसके कमरे में एयर कंडीशनर में के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोक्साइड विषाक्त का का उपयोग करके मार देता है क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के खत्म करने के लिए संकल्प हो जाता है जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाता है और अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है जहाँ सीताराम को रखा गया है और अंत में वार्डन अधि अधीक्षण हरि कुमार जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है की मदद से उसे मार डालता है सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरि कुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही की देखभाल करेगा कुछ सप्ताह बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंथनी आईपीएस, डीजीएल ब्लू डी जी के रूप प्रमुख के रूप में ममुट्टी विनय रॉय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में आठ दशरथ शरद कुमार एसपी वेंट्रीवेल आई के रूप में गृह हाँ, सचिव बीना मरियम मरियम चाको आई के रूप में स्नेहा क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी एस पी सुलेखा आई के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अपनी क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वाली वकील सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखर मेनन के रूप में दिलेश पोथन ए डी जी पी अभिलाष बालकृष्ण आई पी एस के रूप में डी वाई एस पी जॉर्ज को, कोटाराक के रूप में शाइम टाइम चाको एक भ्रष्ट और समाजक विरोधी पुलिसकर्मी त्रिमूर्ति त्र, का अदिति रवि अश्विनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में दीपक परबोल एस आई इस्माइल के रूप में सुशान के रूप में विनीता कोसी जीनू जोशीफ भाई पतलम, सुरेश के रूप में वसंती सी आई विदुकृषि बाद में एसपी के रूप में सी आई मैथ्यूज के रूप में विजय कुमार प्रभाकर नॉर्थ एडीजीपी गौरीशंकर आई एस, क्रिस्टोफर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बेंची मैथ्यूज एक डॉक्टर के रूप में मंजूलन हरिकुमार जेल अधीक्षण के रूप में राजेश शर्मा मनोहरि जॉय अग्नेश के रूप में कीर्तन श्री कुमार एनी के रूप में राम्या सुरेश एनी की मां के रूप में बीना के छोटे भाई सेबेस्टियन चाको के रूप में शाहिनी सिद्दीकी एम पी चाको चाकोचंद बीना और सेबेस्टियन के पिता के रूप में पार्षद के रूप में सोहन सिन्ू लाल प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई 18 जुलाई 2022 को मुमुट्टी फिल्म के सेट पर शामिल हुए फिल्म की शूटिंग एनारकुल कुट्टी और वंदी पे रियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई है विनय विनय रॉय को फिल्म में फलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है फिल्म थी फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ ममुट्टी ने फिल्मांकन समा, समाप्त होने से एक सप्ताह पहले पैंसठ दिनों की अवधि में अपनी अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर कर दिया गया क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हिंदू के लिए एस आर प्रवीण ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा ममुट्टी के लिए जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिका मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका भूमिकाएं महत्व महत्वहीन हैं। साइन टॉम चाको चल रही दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर अपने कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तित्व को दोहराता है क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का एक लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है द इंडियन एक्सप्रेस के अनंदु सुरेश ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और लिखा करीब ढाई घंटे चलने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपक झपकने की झपकने ही खत्म हो गया दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और लिखा कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्ष नहीं है और न ही कोई मोड़ और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है असयचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीता है ओन मानोरमा की प्रिंस प्रिंसी अलेक्जें अलेक्जेंडर ने लिखा उन्नी कृष्णा और उदय कृष्णा का पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करना बहुत अच्छा मनोरंजन ओ, पिछला काम आरूटू जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे वास्तव में दर्शकों को पसंद नहीं आया था लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं एना एम एम ए वेंटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म की समीक्षा की और पांच में से जीरो पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया लिखा पिछले साल से अच्छी विकासों में से एक यह रहा है कि ममूटी अपनी उम्र को पहले की तुलान तुलना में थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उन्होंने यहाँ तक कि उनके बालों और मुछों में सफेद रंग का स्पर्श है आपके बढ़ते वर्षों को तेजी से स्वीकार करना और फिर भी आपकी समकालीन महिला कलाकारों को फिल्मों में आपके प्रेमी और भाई बहन के रूप में अभिनय करने के से इनकार करना निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है मामुट्टी मोहम्मद कुत्ती पनार बिल इस्माइल जिन्हें मामुट्टी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं वह तमिल तेलुगु कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की भाषाओं की प्रस्तुति में भी दिखाई दिए हैं अपने पाँच से दशक के करियर में उन्होंने ४०० से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है वह कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है जिसमें जिनमें तीन राष्ट्रीय फिल्म, साथ फिल्म ते, पुरस्कार सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और तेरह शामिल फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री से सम्मानित किया दो में उन्हें केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है मम्मी ने उन्नीस सौ इकहत्तर में मलयालम फिल्म अनुभवंग पालीचाकल के माध्यम से अभिनय में अपनी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख भूमिका आईवी सी की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम उन्नीस सौ सेवेंटी नाइन में थी ममुट्टी को सफलता उन्नीस सौ इक्यासी में मिली जब उन्हें हांसी अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इस दौरान प्रमुख व्यवसायिक सफलताओं में उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म में को वीरिंजा और आरात्री शामिल है बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्नीस की क्राइम थ्रिलर ने दिल्ली संभाव, संभावनाओं में सुधार किया अगले दशक में आई फिल्मों ने मुट्टी को मलयालम सिनेमा में के अग्रणी सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया 2000 का दशक ममूटी के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का काम था हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने कांच कांचा 2004 और पलेरी मनिक्याम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते उन्होंने व्यज्ञ प्रचियटन एंड द शीट दो हज़ार दस ड्रामा कॉसमसम दो हजार चौदह पीरियड ड्रामा पाथेमारी और ब्लैक कॉमेडी उंडा 2019 उन्नीस के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त किया और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पीरियड एक्शन ममंगम और मधुरा राजा शामिल है 2019 में और 2022 में एक्शन थ्रिलर विष्ण पर्व ममुट्टी मलयालम कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के हैं जो मलयालम टेलीविजन चैनल कैराली टीवी कैराली न्यूज और कैराली भी चलाते हैं वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और ममुट्टी कंपनी सहित कई उत्पादन उद्यमों के मालिक है ममुट्टी का जन्म सात सितंबर उन्नीस को चंद्री च, चंदिरूर में हुआ था उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य में कोट्टायम जिले के वैकोम के पास चेम्पू गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता इस्माइल का कपड़ा और चावल का थोक व्यवसाय था और वह चावल की खेती से जुड़े थे उनकी मां फातिमा एक गृहिणी थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जकारिया और तीन छोटे बहनें अमीना सौदा और सफीना हैं वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी हाई स्कूल कुल शेखरा कुल शेखर मंगलम को टायम गए 1960 के दशक में उनके पिता परिवार के एर्नाकुलम से ले आए जहां उन्होंने सरकारी स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की उन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्री डिग्री सिक्रेट हार्ट कॉलेज थेवारा से किया अपने डिग्री के लिए उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया उन्होंने एलएलएम एलएलबी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की गवर्न गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में से उन्होंने मंजेरी में दो दो साल तक वकालत की उन्होंने 1979 में शुल्फत कुटी से अरेंज मैरिज की दंपति की एक बेटी सुरमी जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान जन्म 1986 है जो एक अभिनेता भी है वह अपने परिवार के साथ कु में रहते हैं उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है उनके भतीजे मकबूल सलमान और सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। आर दशरथ कुमार शरत कुमार रामनाथम करने के बाद वेंट्रीवेल जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्ति पर हैं क्रिस्टोफर को मध्य प्रदेश में एस पी के रूप में अपनी पहली पो, पोस्टिंग दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है जहां कई महिलाओं को समाप्ति उम्मीदवारों ने मार डाला था क्रिस्टोफर क्रूर घटनाओं के पीछे के असली अपराधियों को पकड़ने और मारने में सहायक तकनीकों का उपयोग करता है और एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बन जाता है उन्हें एसआई SI इस इस्माइल धारा सहायता प्रदान की जाती है जो उनका आदिना दाहिना हाथ बन गया बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल स्थानांतरित के कर लिया और उन्हें एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया एक दिन क्रिस्टोफर बिना से मिलता है जो पांडिचेरी पांडिचेरी डीसी है जो घने जंगलों जंगली इलाके में लगातार होने वाली एडितियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने मिशन शुरू करने का फैसला किया ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया लेकिन इस्माइल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया इस्माइल के अंतिम संस्कार संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चला कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ थे जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में गोद ले लिया क्रिस्टोफर को क्राइम ब्रांच के एसपी के बाद पर तैयार तैनात किया गया था कुछ दिनों के बाद बिना भी अपना ठिकाना केरल में स्थानांतरित कर लेती है बिना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बिना से शादी कर ली और वे एक खुशहाल परिवार जीवन जी रहे थे कोच्चि के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक धारा भारी मात्रा में नशा नशा कराने करते हुए पाया गया जहाँ से पता चला कि असली गुन, गुनहार गुनागार बिना का छोटा भाई सेबेस्टियन है जो नशे का आदि है बिना एम पी चाकुरचंद और ए डी जी पी अविलास बालकृष्णन प्रत्येक लड़की को एक बड़ी धन राशि प्रदान करके मामले को सुलझाते हैं चाकेचंद के घर पर काम करने करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है क्रिस्टोफर ने जांच करने का फैसला किया और पता चला कि सेपस्टियन ने नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़की की बेहरमी से हत्या कर दी है और उसके शरीर को कोल्हू का उपयोग करके नष्ट कर दिया है और शरीर के शेष हिस्सों और बालों को अपने पिता की सीरेमिक फैक्ट्री में कुछ मूर्तियों में छिपा दिया है सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर ने गिरफ्तार कर लिया है अगले दिन अदालत में सेबेस्टियन हिस्सा व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मार कर मारने के लिए एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन लेता है लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे बचा लिया जिसने गोली मार दी सेबेस्टियन को मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बिना अलग हो गए इसके साथ क्रिस्टोफर ने सब कुछ खो दिया लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था वह अमीन अमीना थी कुछ महीने बाद क्रिस्टोफर बल सेवा में फिर से शामिल हो गया लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डी पी सी ए डब्ल्यू में तैनात किया गया कुछ वर्षों के बाद उन्हें ए डी जी पी में पदोन्नत किया जाता है एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ में चार लोगों को मार डाला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में सीएम राजशेखर मेनन पर बिना जो वर्तमान गृह सचिव है धारा चार बच्चों की मौत की जांच शुरू करने का दबाव डाला गया है एस पी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है जहां केस फाइलों को देखकर जांच करने करने के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता लगा लगाया जाता है इस बीच इस बीच अमीना जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है एक महिला और उसके पिता की मौत हो जाती मौत की जांच करती है जो वास्तव में एक अमीर बिजनेस मैगनेट सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर है जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी वह क्रिस्टोफर से अपने संदेह और संदेह साझा करती है एक दिन अमीना को मृत पाया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया जहां टीम ने टीम में एक भ्रष्ट और समाजशास्त्री डीवाईएसपी जार्ज जॉर्ज कोट्रेकन को भी शामिल हैं क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चला कि अमीना को ख़त्म करने के लिए सीताराम ने मिरमुथू मारी मुथु नाम के एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारी मुथु का पता लगाने में कामयाब होता है जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर को बैकअप प्रदान करने के लिए पहुँचती हैं। सुलेखा ने मरीमुथु को जॉर्ज को सौंप दिया हालांकि जॉर्ज जिसने सीताराम और उसके सहायक पथलन सुरेश से रिश्वत ली थी ने मारी मुथु को जंगल में भागने दिया जहाँ क्रिस्टोफर ने उसे फिर से पकड़ लिया क्रिस्टोफर और उसके उनके सहायक एस पी वी उस लेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाने बुलाते हम जहाँ क्रिस्टोफर मारी मृत्यु से उसके अपराध पूरी तरह कबूल करवाता है क्रिस्टोफर ने जॉर्ज के भ्रष्टाचार और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा किया क्रिस्टोफर अंत सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस प्रणाली की विफलता के, के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारीमुथु को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे न्यायप पा, न्यायपालिका का धारा निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाएगा बाद में सुलेखा क्रिस्टोफर को समझती है कि और उसका पूरा समर्थन करने का फैसला करती है और मारीमुथु को क्रिस्टोफर धारा उस ठिकाने में ही फांसी पर लटका दिया जाता है बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश का पता लगाता है जहाँ वह जॉर्ज से सच कबूल करवाता है जॉर्ज धारा सीताराम के नाम का खुलासा करने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को ख़त्म करने की व्यवस्था की क्योंकि सुरेश को पहले ही सीताराम ने बेवकूफ बना दिया था हालांकि सीताराम सुरेश पर काबू पाने और उसे मारने